मैं तेरी रानी तो रोहन के बारे में तीन क्वालिटीज ऐसे बताओ जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बेरेबल नहीं है। बहुत बोलता है। बेशर्मी से बोल दिया भाई, सोचा भी नहीं। ठीक है बेटा, सही बात, मम्मी सही बात। बहुत बोलता है, लड़कियों से ज्यादा बोलता है। और मतलब इसको ये पता नहीं रहता है कि ये जैसे मेरे साथ रहता है तो इसको पता ही नहीं लगता है कि ये मम्मी के साथ है। मतलब इतना ज्यादा, कभी यहाँ ऐसे चुट्टी काटेगा, कभी ऐसे बॉल से मुझे मारेगा, है ना। तो बहुत गलत साउंड कर रहा है ये, इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि आज क्या हुआ था, पड़ी हुई बॉल मिली थी, मैंने अंडर आर्म फेंकी थी पैर पे। ये भी कम ड्रामेबाज तो है नहीं, तो इन्होंने पूरे दिन उसी की बात का वो कर रखा है, है ना। और तीसरी चीज की मुझे क्या बुरी लगती है, कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा गेम खेलता है और रात को 3-4 मतलब बहुत देर से सो के उठता है। आज तो 3:30 बजे सो के उठा था। तुमने कुछ रिएक्ट नहीं किया जब मैंने तारीफ करी थी। अब ठीक है, जितना करना था करते हो। रोहन, अरे यार, कभी ऐसा है तुम किसी को लाइक किए हो और वो इंसान ने तुमको बिल्कुल भाव नहीं दिया, मतलब वैसे कि मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तू डिसरिस्पेक्ट मतलब किसी भी सेंस में, टू बी ऑनेस्ट, इवन एज फ्रेंड्स, अगर तुम किसी को बहुत फ्रेंडली फ्रेंड मानते हो, बहुत अच्छा ये सब भी, एंड देन आल्सो दैट पर्सन हैज लेट यू डाउन। अब इस पॉइंट पे तो ऐसे मतलब 9 से ऐसा था कि मैं लोगों से उतना इंटरेक्ट करता नहीं था, मतलब जितने दोस्त मेरे थे उसके साथ तो नहीं मेरे, मतलब जो भी दो ही दोस्ती थे शायद मैं जानते हैं, तो जितने भी दोस्त थे वही थे। और कभी ओवर द टाइम तो मैंने फील हुआ कि नहीं, मैंने किसी को वही ना, मैंने अप्रोच करना बंद कर दिया लोगों को। अब तो कोई ऐसा चीज हुआ था जिस वजह से खुद नहीं, खुद ही मतलब एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, तो फिर है ना कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट खुद ही बंद कर दिया। चलो आगे बढ़, रुको रुको मम्मी, आके बंद आके बंद आके बंद ले लिया उन्होंने, दे दो उनको। यार की बड़ी बदतमीजी है मम्मी की, क्यों करा रहे हो। ट्रुथ ये, चलो डेयर डेयर बहुत लाभना फोन भाई, नहीं ये सब नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं देख रही, मैं फोन दो और ऐसे ही ऐसे रोल करूंगा, मेरे उंगली जिसका पड़ेगी तो मैं उसे कॉल पे बात करना है, उसे बोलना है, तुम्हें उसके बाद प्रैंक करना है, तुम्हें उसे बोलना है कि मैं यार मेरी बैग लग गई, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं घर छोड़ रहा हूँ। गाइस तो थोड़ा चेंज किया हमने क्योंकि हम रोहन के फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड उसको फिर हिलाएंगे तो फिर हम ऐसे कि बहुत आलस आ रहा है, तो अब प्रैंक चेंज करके ये किया हमने कि रोहन कॉल करेगा पापा को और बोलेगा मेरा फोन टूट गया और वो खो गया, मैं स्विमिंग गया था और वो फोन खो गया और मिल ही नहीं रहा है, मैं नीचे भी हुआ है पूरा ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रहा वारंटी है कि नहीं है, पूछ रहा है। तो पापा से तुम्हें और 1 मिनट तक तुम्हें कॉल की थी, पापा काटने बोले तो भी बोल रहे तुम्हें नहीं पापा बताओ क्या करो, ठीक है पापा पार्टी में अभी। अरे यार पापा का मूड खराब हो जाए, पापा गाली भी दे देंगे और कुछ भी नहीं। फोटो क्यूट है, नंबर तो नहीं आ रहा उसमें। हेलो, हाँ पापा आप फ्री हो? हेलो, पापा ये मेरा, मैं स्विमिंग करने आया था, आप बताओ फोन की वारंटी है? फोन वारंटी पीरियड में है? क्या हो गया? मैं स्विमिंग करने आया था, मिल ही नहीं रहा है वो फोन, मिल नहीं रहा मतलब यहाँ है ही नहीं। फोन की तुमने फोन बेटा कहाँ ही को ले लो, वहाँ पे लेफ्ट वारंटी
चोरी में वारंटी नहीं आती है? नहीं चोरी नहीं आती भाई, वारंटी में टूटने की वारंटी होती है, ये टूट गया फोन तो चाहिए ना। पता नहीं लेके क्यों गया था, मैं मना करती हूँ, सुनता ही नहीं है एक भी बात। अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो बेटा, तुम वो बैग कहाँ है वहाँ पे, उनको बोला तुमने सिक्योरिटी वाले को बोला? हाँ उनको बोला, उसने बोला कि कोई आया तो था आपका बैग देख रहा, मैंने मतलब जो हमारा ब्लू कलर वाला बैग था ही नहीं ना, रोहन ने पता नहीं हमने बैग में देखा, बैग में है ही नहीं, वो भी नहीं जानते, हमने बोला कहाँ रह रहा क्या, कुछ बता ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है ठीक है, मैं कराता हूँ बाबा करा रहा। भाई क्यों कर देते हैं ना, बस यार हट हो गई, मैं अपने फोन से कॉल कर दूं? नहीं नहीं चलो इसके बाद करेंगे, इतना कूल रिएक्शन, चलो कोई बात नहीं। नहीं पापा वो गुस्से में आ रहे थे, रोहन ने तब एंड कर दिया ना कि पापा ने बोला सिक्योरिटी गार्ड वाला, तो मैं तो ऐसे बैग वाला बोल रहे थे ना, तो वही चलो ठीक है, इट वाज फन, अच्छा था प्रैंक वाला, ये मजेदार। चलो मेरी टर्न, मेरी तो आपको मौसी को कॉल करना है कल सी, और आपको बोलना है कि आपके बैंक से पता नहीं पैसे डिडक्ट हो गए, और समझ नहीं आ रहा, मैं कॉल नहीं करना चाहती पापा को, टेंशन नहीं मतलब पापा को, और आपको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप पार मौसी को बोलो कुछ करो, हेल्प करो, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। पापा कॉल आया तुम जो क्या करें, अरे पारुल ना मेरे बैंक से ना पैसे निकल गए, तुम बताओ कुछ कर सकते हैं क्या, मैं फुंटी को बताना नहीं चाहती, हैक हो गया या पता नहीं, आई मोबाइल अब क्या करें बताओ यार, फुंटी को बताएंगे तो फुंटी तो बहुत डांटेंगे। हाँ नहीं नहीं है, ठीक हो गया था, कर दिया था, कितना निकला? 4 लाख। अरे हाँ तो हमें तो पता ही नहीं है किससे मिल रहे हैं, चलो कल जाके बात कर लेते हैं, बड़ा लफड़ा हो गया। हाँ चलो एक बार हम देखो बात करते हैं, एक दो फ्रेंड से है ना, फिर हम उसे कॉल कर, ऐसे ठीक है चलो कॉल करते हैं ना, लिंक आया था ना तभी उसे पता चला है ना, चलो ठीक है पाल है ना, मुझे करते कर तो प्लान था, अरे कुछ सीरियस हो गई बात, पर ये तो बिल्कुल मैंने मजा किया, मम्मी ने बहुत बेकार किया, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ क्या, तुम अच्छी एक्टिंग, मम्मी पूरे टाइम वो मतलब मैं वैसे भी मम्मी कहती है दर्द कोई दर्द तो नहीं कर, दर्द दिखाती ना थोड़ा यार, यार मेरे इतने एक्सप्रेशन से तो तुम्हारा डेर है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पर एक रील अपलोड कर रही हूँ,
जिसमें तुम डांस कर रहे हो और गाना है हुकुमकी रानी। छोटा नहीं खाना है और बड़ा बीच से खाइए ना, शर्म कर लो, N90 खा रहे हो दोनों। मैंने तो खाई नहीं तब से, पहली बार ही खाई थी। चलो देख रही हो पूरा ऐसे, मम्मी तब डेयर करवाऊंगी। अच्छा मम्मी चल डेयर प्रत्या डेयर मम्मी मैं कैसे खिलाऊ मिर्ची है क्या बात, मैं नहीं कर रहा मम्मी है। चलो अच्छा बैठे बैठे ही कर देते है ना, बैठे बैठे बनाते हैं। क्या स्टेज बनाओ पहले, खड़े भी करना है? नहीं नहीं बैठ के। क्या नहीं ऐसे, मैं तेरी रानी तू मेरा, नहीं मैं तेरी रानी मेरा हुकुम का एक क्यों होता है। चलो 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 ठीक है, रुको रुको, मैं तेरी रानी तू मेरा हुकुम का एक ऐसे गाने का वापस पीछे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, गाना नहीं गाना। ठीक है देखा कब क्या डर देती है, चिट तो मेरी ही आएगी रोहन के चक्कर में। ऐसी नहीं है ताकि लोगों को लगे कि तो कभी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स हुई? मम्मी फीमेल फ्रेंड्स ही कहते हैं। Have you ever had like फीमेल फ्रेंड्स? लड़कियां दोस्त गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं गर्लफ्रेंड दूसरी चीज होती है, इस उम्र में कहां बनती है। जीरो फीमेल इंटरेक्शन है, हाँ, मैं मम्मी से और दीदी से होता है मेरा बस। नहीं हो गई तो टांगे तोड़ दूंगी, ये भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक ये चीजें मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। मम्मी है मम्मी है, मैं पर उठाऊंगी मेरी की बारी है। तो बिल्कुल ही नहीं थी मम्मी। चल कभी कल को रोहन लव मैरिज कर ले। ये मेरे से क्यों पूछे जा रहे हैं सब, मेरा नाम क्यों खराब करो। रोहन लव मैरिज करके लड़की रहे, अभी फीमेल इंटरेक्शन तो है नहीं, मेरा शादी में फिर लव मैरिज कर लो तो क्या करोगे आप, एक्सेप्टिंग होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों मेरे लिए अगर देखो क्या है कि लव हो या अरेंज हो है ना, पहले तो देखो है तो मैरिज, हाँ मतलब हाँ नहीं जो भी है उसके लिए चाहिए लड़का आपको, तो मैं लड़की तो मुझे मिलनी नहीं, नहीं नहीं तो मैं तो अरेंज मैरिज सोच के बैठा हूँ। हाँ अगर उस केस मेरा नाम से क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, मम्मी को उधर ही कट नहीं, मैं नहीं नहीं बस समझ गए। ऑफ
कैमरा मम्मी बहुत चल रही थी। ऑफ कैमरा मम्मी ले अपने लिए तो खुद ही ढूंढना, मैं नहीं ढूंढ के दूंगी। वो कैमरा के नाम से नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो बोलना एक अलग बात है क्योंकि इन लोगों के साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना पड़ गया है। आपको तो करनी नहीं, मतलब नहीं मतलब देखो एक चीज है। अच्छा ऐसा कर लेंगे, जो भी दीदी को सपोज लड़का पसंद आया उसी के साथ अरेंज मैरिज करा देना। नहीं तो हम सहमति नहीं दिखा सकते। ये क्या बात है, उसको आप मैनिपुलेट करके अरेंज कर देंगे। हाँ और क्या, नहीं मैं नहीं करूँ ठीक है। अरे वो मैं कोई भी नहीं करूंगा, वो दीदी चीटिंग हो रही है, चीटिंग पिटी खुद ही पूरी। After a lot of cheating में आ गया। चलो मैं पूछूंगा, and I won't forget how you screwed me over, दीदी। So I'll ask you, दीदी आपका कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं? मेरे को तो बस काम है। चीटिंग है?